अपनी विशुद्ध विलुप्त संस्कृति के संरक्षण के लिए राजकीय उच्च कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में इन दिनों कन्याओं को एक सप्ताह तक पहाड़ी नाटी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान युवतियों को अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन युवतियों को रोजाना प्रार्थना सभा से पहले नाटी सहित पारंपरिक विधा की जानकारी के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। बात करते हुए संगम कला मंच के सदस्य सचिन भारद्वाज ने बताया कि अपनी विशुद्ध व विलुप्त होती जा रही संस्कृति के संरक्षण के लिए राजकीय कन्या उच्च वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करना है। वहीं प्रशिक्षु छात्राओं ने इस प्रशिक्षण शिविर को बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी पौराणिक संस्कृति सभ्यता की जानकारी मिल रही है। हिमाचल प्लस उत्तरी सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट है। और मैं सरगम कला मंच नौनी की ओर से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूं। और विद्यांजलि का जो ये मुहिम चलाई गई थी, जिसमें कि हमारे हिमाचल की जो विशुद्ध लोक संस्कृति है उसका प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए, क्योंकि जैसे कि सभी देख सकते हैं कि डीजे वगैरह का जो पाश्चात्यकृत हमारी सब संस्कृति हो रही है, तो उसको रोकने के लिए और हमारी विशुद्ध लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। ये प्रत्येक स्कूलों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाम रोहिणी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हम कुछ दिनों से हमारी संस्कृति नाटी सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। हर एक स्टेप हमें बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। हम सारे 8वीं 9वीं 10वीं की छात्राएं एक साथ मिलकर नाटी करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह नाटी करना। मेरा नाम जानवी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में एक लोक नृत्य शुरू किया गया है, जिससे हमें ये फ़ायदा है कि आगे चल के आगे वाली जनरेशन को पता लगे कि हमारी संस्कृति क्या है। और इसके फ़ायदे भी है कुछ, जैसे कोई मतलब जैसे आजकल की जनरेशन है जो कि भूल चुकी है कि हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए ये सब किया जा रहा है।